शनिवार को ऊन में मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा लोगों की समस्याओं को सुना गया। ऊन की ग्राम पंचायत में शनिवार को मुख्यमंत्री जनसेवा के तहत एक दिवसीय जन समस्या निवारण शिविर संपन्न हुआ। शिविर में ग्राम पंचायत के अधिकारियों सहित सभी विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। हितग्राहियों द्वारा 70 से अधिक आवेदन सौंपे गए, जिसके माध्यम से लोगों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। शिविर व्यवस्थापन ग्राम पंचायत उन बुजुर्ग द्वारा किया गया। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। आवेदन देने आया था, पर्ची के लिए देने आए। तो क्या हुआ, अभी तक बनी नहीं है? अभी बनी नहीं है। मेरी बहू के 5 बच्चे हैं और अकेली रहती है वो, ना तो कुटी है ना उसके पास में कोई पर्ची है, तो खाने का साधन तो कुछ ना कुछ होना उसको। मैं अकेली काम करती हूँ अस्पताल के अंदर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम है। का शिविर आयोजित किया जा रहा है ये मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चालू हो रहा है 10 से 25 मई तक, जिसमें ग्राम उन बुजुर्ग में आज 13 मई को यहां पर आयोजित हुआ, जिसमें टोटल 47 प्रकरण आए हैं, जिसमें संबल योजना के हितग्राही हैं, राशन पर्ची वाले हैं, शौचालय वाले हैं और अन्य जो विभाग चल रहे हैं उनके जो प्रस्ताव आते जा रहे हैं, जो जानकारी लेते जा रहे हैं उनकी जानकारी देते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश बिरला है और मैं जनपद पंचायत खरगोन से आया हूँ। और आज का हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।